नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने पंचायत के ग्राम पंचायत की पोल कैसे खोल सकते हो, अपने सरपंच सचिव की पोल कैसे खोल सकते हो, कि अपने पंचायत में कितना काम आया है, कितना पैसा आया है, कितना पैसा उन्होंने कामों में लगवाया है, कौन कौन से आपके गाँव में काम अभी तक चल रहे हैं, वर्तमान में कौन से काम चल रहे हैं, कौन से काम हो गए हैं, किस काम के लिए कितना पैसा आया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। यदि आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी मिल सके, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना होगा, अपने आपके जो मोबाइल होता है, मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाइए। प्ले स्टोर में चले जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एप्लीकेशन का नाम सर्च करना है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च करी गई है, जिसका नाम है पंचायत दर्पण। पंचायत दर्पण आपको लिख देना है, सर्च कर देना है। यदि दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन नहीं मिलती है, तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा लिंक, वहाँ उस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट प्ले स्टोर पर आप पहुँच जाओगे। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, मेरे पास ये ऐप पहले से डाउनलोड है, तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। सिंपली ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर होम वाले से इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पहले जिला सिलेक्ट करना है, आप किस जिले में निवास करते हो। सबसे पहले आपको अपना जिला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जिला सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका आपकी जो भी जो तहसील होती है, तहसील सिलेक्ट कर लेना है, जिसको हम जनपद पंचायत के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आप जिस भी ग्राम पंचायत की डिटेल देखने जाते हो, आपको यहाँ पर उस ग्राम पंचायत का यहाँ पर आपको नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट यहाँ पर हमारी जो ग्राम पंचायत देखना चाहते हैं, उस ग्राम पंचायत का यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सुरक्षित करें इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। सिंपली सुरक्षित करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर मेरी ग्राम पंचायत पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो सिंपली ग्राम पंचायत पर हमें क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपके सामने पूरी ग्राम पंचायत के यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम भी दिखाई देगा, यहाँ पर इस ग्राम पंचायत में कितने गाँव, इस ग्राम पंचायत में कितने गाँव के अंतर्गत आते हैं, सभी के नाम यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर पंचायत की जनसंख्या भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ पर 1396 जनसंख्या है। अब नीचे आओगे तो आपकी जो ग्राम पंचायत है उसका आपका अकाउंट नंबर दिखेगा, और अभी उस अकाउंट में कितने पैसे यहाँ पर जमा हैं, यहाँ पर आपको सिंपल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इतना पैसा अभी उस पंचायत के बैंक अकाउंट में जमा है, और वो बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से कार्य अभी हमारा चल रहे हैं, कौन कौन से उन्होंने बिल लगाए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर विकास कार्यों पर आपको क्लिक करना होगा। विकास कार्यों में आपको सभी यहाँ पर दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर सीसी सड़क या पक्की नाली, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर नीचे नीचे स्क्रॉल कर यहाँ पर आपको वर्ष चुन लेना है, आप किस वर्ष में आप देखना चाहते हो, 2020-21 यहाँ पर 21 सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको महीना सेलेक्ट कर लेना है, महीना आपको जिस भी महीने का आपको देखना है जानकारी, उस महीना आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपको यहाँ सामने यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दिखेगी, आपको सभी जानकारी, जैसे कि जो जो भी यहाँ पर निर्माण कार्य हुए होंगे और उनका पैसा, कार्य की लागत, कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, कौन सा कार्य हुआ है, कौन से विभाग के द्वारा हुआ है, सभी आपको यहाँ पर जानकारी दिखाई देगी। यहाँ पर कार्य का विवरण, सीसी रोड, हनुमान मंदिर चौक, कोठा बुजुर्ग, यहाँ पर आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कितना लागत, कितना रुपया इस स्कीम के तहत आया हुआ है। तो मैं आपको और पीछे जाकर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर स्कूल, शाला भवन, स्वास्थ्य केंद्र, शासकीय भवन, अन्य कार्य और भी देखिए, यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर आप आगे की जानकारी को भी आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान बिल देखें, मतलब ग्राम पंचायत में कौन कौन से बिल किस कार्य के लिए लगाए हुए हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इसकी भी डिटेल्स आ जाएगी। दोस्तों, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमें सामने भी ब्लैंक आ रहा है। आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन खुल सकती है, क्योंकि ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने इन्फॉर्मेशन खुल गई है, कितना कितना पैसा, कितने बिल्स लगाए हैं, मतलब आपकी ग्राम पंचायत में। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक बिल लगाया गया है 8000 रुपये का। आपको मैं दिखा देता हूँ ये कौन सा बिल लगाया गया है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे इस सर्च वाले ऑप्शन पर, आपको सामने कुछ आपके सामने आगे की जानकारी भी खुल जाएगी। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर अभी कहा, इस पर आप क्लिक करोगे आगे की जानकारी खुल जाएगी। दोस्तों, अभी टेक्निकल एरर के कारण अभी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप अपने केस में इस पर क्लिक करोगे तो और इस बिल की जानकारी, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर खुल गया है, इस बिल की जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे कि यहाँ पर प्राप्तकर्ता का नाम, बिल राशि कितनी है, यहाँ पर IFC कोड कौन से अकाउंट में गया है, यहाँ पर बिल देखे पर आपके सामने बिल भी खुल जाएगा। यहाँ पर अभी उन्होंने सामने जो भी पंचायत सचिव है, उन्होंने यहाँ पर बिल नहीं डाला है, तो यहाँ पर बिल नहीं खुल रहा है। आपके केस में बिल खुल भी सकता है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर कौन सी तारीख को ये भुगतान हुआ था, 24/3/2021 यहाँ पर भुगतान हुआ था। इस प्रकार आप अपने पंचायत के जितने भी बिल लगे हुए होंगे, कौन कौन से कार्य के लिए कितना कितना पैसा आया है और कितने पैसे का बिल दिया है, सभी आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन खोल सकते हो, और अपने ग्राम पंचायत और सचिव की वाट लगा मतलब पोल खोल सकते हो कि आपने इतना पैसा आया है, इस पैसे का हमको हिसाब बताइए, सभी आप यहाँ पर देख सकते हो।
दोस्तों मैं पीछे आ गया हूँ। पीछे आने के बाद आपको यहाँ पर नवीनतम स्वीकृत कार्य पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जो भी नवीनतम कार्य आपके पंचायत में स्वीकृत स्वीकृत किए गए हैं सभी आपके सामने यहाँ पर लिस्ट खुल जाएगी। मेरे केस में अभी यहाँ पर कोई भी न्यूनतम मतलब नवीनतम कार्य नहीं है तो यहाँ पर अभी ब्लैंक ब्लैंक आपको दिख रहा है। आपके केस में यहाँ पर खुल सकता है तो आप देख लीजिएगा दोस्तों। और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, मैं ऑप्शन आप अपने विवेक से आप यहाँ पर खोल खोल के देख लीजिए कि कौन कौन से ऑप्शन है दोस्तों। मैं इस ऑप्शन को बताऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप उस वीडियो को नहीं देखोगे। आपको यहाँ पर और ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर जो सर्च वाला बॉक्स है आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके बैंक जो भी आपके ग्राम पंचायत का बैंक के सभी स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पर खुल जाएंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर सभी बैंक के स्टेटमेंट यहाँ पर खुल गए हैं, कितना कितना पैसा और कौन कौन से बिल और कितने कितने पैसे जमा हुए हैं यहाँ पर। जैसे दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर बाय केस 250 रुपये यहाँ पर जमा हुए हैं, यहाँ पर 6 से 6 हज़ार रुपये भी यहाँ पर जमा हुए हैं। आप हर एक दिन का अलग अलग स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे कि कोई भी दिन यहाँ पर बैंक का स्टेटमेंट मतलब ट्रांजेक्शन नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर नो ट्रांजेक्शन लिखा हुआ आ जाएगा, और जिस दिन बैंक का ट्रांजेक्शन हुए होंगे यहाँ पर आपको अमाउंट के साथ साथ यहाँ पर माइनस और प्लस भी आपको दिख रहेगा। प्लस हुआ होगा तो अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, माइनस हुआ होगा तो अमाउंट यहाँ पर मतलब डेबिट हुआ है दोस्तों। इस प्रकार आप अपनी पंचायत की समस्त जानकारी देख सकते हो। आपके सरपंच कौन है, सरपंच आप देख सकते हो, सचिव कौन है, रोजगार सचिव कौन है, आप यहाँ पर रोजगार सचिव का नाम भी देख सकते हो, साथ ही साथ उनके मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए इस वीडियो को और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे और हमको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।